उम्मीद सहर बन के आया माह रमजान। बात मेरे साथ शेयर की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब आप गरीब लोगों के साथ बैठे, उनके साथ घुले मिले, उनके पास जाए, तो आपको पता चलता है कि इस कंप्यूटर और स्काइप के दौर में भी लोगों के लिए जिंदगी किस कदर बोझ बनी हुई है। जब हम शाम को मुख्तलिफ फलों से इफ्तारियां करते हैं और रंग रंग की डिशे खाते हैं, तो उस वक्त हमें ये एहसास होना चाहिए और ये एहसास जागना चाहिए कि कई ऐसे गरीब लोग हैं इस मुल्क में, इस सरजमीन पर, जो सिर्फ पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। काश अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी ये एहसास दे। तो मैं चाहूँगा बट साहब खुद इस पर कुछ कमेंट करें। मैं तो यही पैगाम दूंगा आजकल की नौजवानों को, बच्चियों को, कि आप कोई ना कोई हुनर सीख लें। अगर आप हुनर सीख लेंगे तो गुर्बत आपके नज़दीक नहीं आ सकेगी। मेरा ये पैगाम है बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि आप शर्म महसूस ना करें, कोई भी काम सीख लें। और काम का जो है, काम करके जो खाते हैं, उनकी बड़ी अजमत है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अपनी मजदूरी करके 500 रुपये अगर रोज़ भी कमा कर खाते हैं, तो वो बख्शे हुए लोग हैं। मेरे ख्याल में उनके से अल्लाह ताला कोई हिसाब वगैरह नहीं देगा। तो जब दिन में 500 रुपया कमा कर घर वालों को खिलाते हैं, अल्लाह ताला उनसे क्या हिसाब लेगा। मैं कहता हूँ ये बख्शे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं हम इन बख्शे हुए लोगों के साथ बैठे। यकीनन ऐसा ही है। यहाँ पे मैं एक दुनिया के चंद अमीर लोगों में से, 10 अमीर तरीन बंदों में से एक बंदा है, बिल गेट्स। उसका कहना यह है कि अगर कोई गरीबी में पैदा होता है तो ये उसका कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मर जाता है तो वो कसूरवार है। वो गरीबी में मर गया, उसने अपनी सलाहियत को, सेहत को, अल्लाह ताला के दिए हुए टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया और अपने तंग हालात को बदला नहीं, गरीबी को खुशहाली में ही नहीं बदला। तो इस हवाले से हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, इन सबको चाहिए कि ये मेहनत करें, दयानतदारी से कोशिश करें, तो यकीनन हालात बदले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी बात जो है वो वजन रखती है। हमारे साथ और बहुत से लोग मौजूद हैं। हम चाहते हैं इस पोर्शन में सबसे पहले हम जो इनामात की बारिश करें, फिर उसके बाद दूसरी तरफ, क्योंकि ये इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आए, हर एक को कोई ना कोई तोहफा जो है वो मिले। और ये तोहफा किसकी तरफ से है, उनका पैगाम भी आप तक पहुँच रहा है साथ साथ। तो यहाँ हम यहाँ तक पहुंचे थे और हमारे साथ ये अम्मा जी मौजूद हैं। आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हर एक से बात नहीं हो सकती, तो इसलिए ये कैश प्राइजेस जो है ये आपके साथ जाएंगे। ये कैश प्राइजेस जो है ये शौकत ज्वेलर्स की तरफ से ये कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारी एक और बहन मौजूद है, इनके लिए नसीर बट्टी करियाना स्टोर की तरफ से जो तोहफा है वो इनको पेश किया जाए। नसीर बट्टी करियाना स्टोर की तरफ से ये तोहफा इनके साथ जाएगा। इनके साथ जो बहन मौजूद है उनके लिए भी नसीर बट्टी करियाना स्टोर वालों का ये तोहफा जो है वो इनके साथ जाएगा। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसने आज पहला रोजा रखा हो जी, हाल में मौजूद कोई ऐसा बच्चा जिसका आज पहला रोजा हो, इस पूरे हाल में कोई ऐसा बच्चा जिसने पहला रोजा रखा हो अपना, इधर आ जाए बेटा, इसके लिए तालियां बजा दें। ये हाल में बच्ची मौजूद है, इसका आज पहला रोजा है, तो इधर सामने आए बेटा। इनके लिए नईम गारमेंट्स की तरफ से, नईम गारमेंट्स की तरफ से ये तोहफा जो है ये इनके साथ जाएगा। नईम गारमेंट्स वालों का ये तोहफा इनके साथ जाएगा, क्योंकि इनका पहला रोजा है, तो हम इसमें शामिल होना चाहते हैं इनकी इस शहादत में। और साथ ये जो अफ्तारी के लिए ये कैश प्राइजेस जो है ये बेटा ये भी आपके साथ जाएंगे। ये ठेकेदार मोहम्मद लतीफ जनरल कौंसलर जो है उनकी तरफ से ये कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे।
इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। आप कहां से तशरीफ लेके आए? ये चौक पटोड़ी से इस रमजान ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए तशरीफ लेके आए हैं, तो इनके लिए ये कैश प्राइजेस जो है चौधरी शफकत चेयरमैन यूसी नला मुसलमाना उनकी तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। इनके इनके साथ ही आप लोग कहां से तशरीफ लेके आए? कलर साइना से। आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपके लिए स्पीड ज्वेलर्स वालों का ये तोहफा आपके साथ जाएगा। स्पीड ज्वेलर्स चौहा रोड कलर सायदा। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है जो स्पेशली खवातीन इस प्रोग्राम में शामिल हुई, इस ट्रांसमिशन में शामिल है, वो अगर आप लोग अपना आईडी कार्ड या नाम वगैरह यहाँ पे लिखवा के जाते हैं तो स्पीड ज्वेलर्स वालों की तरफ से आखिरी प्रोग्राम में कुरानदाजी होगी, जिसका नाम निकलेगा उसको गोल्ड रिंग दी जाएगी, सोने की अंगूठी दी जाएगी स्पीड ज्वेलर्स वालों की तरफ से। तो एक और बड़ी बात, ये हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद है जिसका आज यानी इसने सारे रमजान के जितने भी रोजे हैं मुकम्मल रोजे रखे और इसके अलावा ये नाथवान भी है, तो हम चाहेंगे कि नाथ का एक शेर हमें सुना देंगे। जी बेटा के रोजे रखने से मुझे एक बात याद आती है और एक पैगाम याद आता है कि ये एक नन्ही बच्ची या इससे पहले एक छोटी बच्ची जिसने पहला रोजा आज रखा था, अगर ये नन्हे मासूम बच्चे रोजे रख सकते हैं तो हमारे मुल्क के और हमारे इलाके के जवान जो ताकत भी रखते हैं, जिन पर फर्ज भी हैं, अगर वो रोजे नहीं रखते तो उन्हें इस बच्ची को देख के सीखना चाहिए। बट साहब, इस बच्ची के रोजों के ऊपर आप क्या कहना चाहिए? ये इस उम्र में जो रोज़े रखते हैं वही मरने तक कामयाब रहते हैं और उनकी तरबियत हो जाती है। जो बचपन में जो तरबियत होती है वो इंशाल्लाह ताला उनके जवान होने तक बूढ़ा होने तक कायम और दायम रहती है। यकीनन ये वालदैन को क्रेडिट जाता है कि जो इस बच्ची की तरबियत इस लिहाज से कर रहे हैं कि इस छोटी उम्र में वो इन्हें रोजे रखा रहे ताकि इनकी आदत का हिस्सा बने और ताज जिंदगी ये बच्ची रोजे रखती रहे। तो मैं समझता हूँ कि सब वालदैन को इसी तरह बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। अभी फिर हम ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए उनमें मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ ये एक फैमिली है जो ये लोग चंगा मेहरा से यहाँ पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आए, तो हम चाहेंगे कि यहाँ से जो बहुत से गिफ्ट जो मुख्तलिफ कारोबारी ब्रादर्स की तरफ से हैं वो अपने साथ लेके जाएं, तो इनके लिए तोहफा लेके आए हैं स्पीड ज्वेलर्स वालों का, ये तोहफा इनके साथ जाएगा स्पीड ज्वेलर्स। स्पीड ज्वेलर्स चौहा रोड कलर सायदा। इसके साथ साथ हमारे साथ ये खाला जी मौजूद हैं, इनके लिए गोल्डन ज्वेलर्स वालों का ये तोहफा गोल्डन ज्वेलर्स मेन बाजार कलर सायदा। और गोल्डन ज्वेलर्स वालों के ही
कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। ये साहब जनाब, यकीनन ये स्पॉन्सर जो लोग स्पॉन्सर करते हैं और एक छोटी सी कोशिश है कि इन गरीबों के दुखों को किसी हद तक कम किया जा सके, लेकिन इससे बड़ा काम और असल जरूरत ये है कि सब लोग मिलकर, सादे हैसियत लोग मिलकर कोई ऐसी कोशिश करें कि जो गरीब खानदान है, गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को, उनके मर्दों को उनके पाँव पे खड़ा किया जा सके ताकि वो खुद रोजगार कमाने के काबिल हो सके और अपने खानदानों की जो जरूरत है वो पूरी कर सके। ये जो आपने बात की, यकीनन हमने आगाज जो किया था ये एक अच्छी कावज का आगाज किया मोहम्मद एजाज भट्ट ने, इनको ये क्रेडिट जाता है। लेकिन जहाँ पे मुख्तलिफ नौजवानों के लिए ये इस किस्म का इंतजाम किया गया, यकीनन मैं ये भी ख्वाहिश रखता हूँ कि एजाज भट्ट साहब और बहुत से दूसरे जो मुकैयर हजरात हैं वो खवातीन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला मर्द मौजूद नहीं, तो उनको बहुत ज्यादा ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनके लिए कोई ऐसी बुटीक बना दी जाए जहां वो अपना रोजगार वगैरह कमाएं और वहां से उनको जो सरमाया वगैरह मयसर आता रहे, तो ये यकीनन बेहतरीन रहेगा। क्या ख्याल है आपका? यकीनन बहुत अच्छी कोशिश होगी ये। भट्ट साहब ने एक बात अभी बताई जिससे दिल भर आता है कि आज भी कल्लत सईदा में ऐसे घराने मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो रात की सूखी रोटी और कावे से अपना नाश्ता करते हैं। तो मैं भट्ट साहब से कहूंगा कि वो खुद बताएं इस बारे में। काफी अरसा पहले मुझे पता चला था कि लोग सुबह, कई ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने जाते हैं और सुबह कावे के साथ रात कहीं सूखी रोटी खा कर जाते हैं। हमसे जो हो सका अंदर खाने हमने किया है, लेकिन फिर भी बेशुमार लोग हैं जो अभी तक भी इसी हाल में हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही कर सकते हैं कि वो कोई ना कोई काम सीख जाए। सबसे बड़ा मसला यही है हमारा कि हमारे लोग शर्म करते हैं। यहाँ कल्लत सईदा में बाहर से आके सैकड़ों लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं। कोई साइकिल्स पर काम कर रहा है, कोई रीढ़ी लगा रहा है, कोई ठिया लगा रहा है छोटा सा, कोई घूम फिर के कर रहा है और वो कल्लत सईदा से कमा के जाते हैं। अब तक लोग सरगोधा से, पेशावर से बेशुमार जगह से आकर कमा के जा रहे हैं और हमारे लोग जो हैं वो छोटे काम करने को अपनी तोहिन समझते हैं। मैं ये कहता हूँ कि तोहिन ना समझें, काम करना बहुत बड़ी अजमत है। अपने हाथ से कमा कर खाना सबसे बड़ी अजमत वाला काम है। यहाँ पे मैं हाफिज साहब से कमेंट लेना चाहूँगा कि यकीनन रोजे रखना, नमाजें पढ़ना ये हमारे लिए बायस सवाब है और हमारी बख्शिश का बायस बन सकता है, लेकिन क्या इंसानी खिदमत, गरीबों की मदद भी हमारे लिए सवाब और बख्शिश का बायस बन सकती है? जिंदा साहब ने कहा था कि शायद कौम की आंख होती है और कौम को तकलीफ होती है तो आंख रोती है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि पूरी इंसानियत एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म के जिस हिस्से में तकलीफ होती है पूरा जिस्म महसूस करता है। और जहाँ तक बख्शिश की बात है तो ये जो आपके सामने मक्खी है ना, एक मुहदिस थे हदीस लिख रहे थे और हदीस उस वक्त में ये पेंसिल वगैरह तो नहीं थी, कलम दवात हुआ करती थी। उन्होंने दवात के अंदर कलम डाली और बाहर निकाल कर हदीस लिखने लगे तो आपकी कलम की नोक पर मक्खी बैठ गई। आपने कलम को वहीं रोक लिया और वो मक्खी प्यासी थी और उस मक्खी ने वो सारी स्याही चूस ली, लेकिन आपने उसे उड़ाया नहीं और वह उसने सारी स्याही चूसी और चूस कर उड़कर चली गई। कुछ अरसे बाद उस मुहद्दिस का जब इंतकाल होता है तो किसी को एक ख्वाब में आते हैं तो पूछने वाला सवाल करता है कि है शेखुल हदीस साहेब, जरा बतलाइए तो सही, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो शेखुल हदीस फरमाने लगे अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है। तो ख्वाब देखने वाले ने पूछा अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया, जरा बतलाइए तो सही, किस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है? तो वो शेखुल हदीस कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाजों से नहीं,
روزوں سے نہیں، حج و زکات سے نہیں، بلکہ فقط ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ کہا حضور وہ چھوٹا سا عمل کون سا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں ایک حدیث لکھ رہا تھا، دواب کے اندر قلم ڈالی، باہر نکالتا ہوں تو سیاہی لگی ہوتی ہے ساتھ، اس سیاہی کو چوسنے پہ ایسی مکھی آ جاتی ہے، اس مکھی کے اوپر میں ترس کھاتے ہوئے کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، میں اسے اڑاتا نہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اب تمام احباب اندازہ کر لیں مکھی کیا چیز ہے۔ اگر اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ بھی انسان بلائی کرتا ہے، انسان بلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جنت عطا کرتا ہے، اور جو انسان اشرف المخلوقات ہو اس کے ساتھ بلائی کی جائے تو انسان کو کتنی نعمتیں سے نوازا جائے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، تحفوں کا سلسلہ جاری ہے، میں ایک بار سب کا اناؤنس کر دیتا ہوں جو اس پروگرام کے سپانسرڈ ہیں، شوکت جیولرز، سپیڈ جیولرز، گولڈن جیولرز، شیخ ریاض کلاتھ ہاؤس، کشمیر کلاتھ ہاؤس، فیشن سٹی کلر سائدہ، پوشاک محل، قاضی الیکٹرانکس، نعیم گارمنٹس، مین بازار کلر سائدہ، پیرس شادی ہال، سردار رضا سنز اینڈ گارمنٹس، نصیر بٹی کریانہ اسٹور، چودھری کرافٹری سٹورز، تاج فرنیچر ہاؤس، ٹھیکیدار محمد لطیف جو کہ جنرل کونسلر ہیں، چودھری محمد شفقت، چیئرمین یو سی نلا مسلمانہ، تو ان کے تحفے جو ہیں وہ ہم یہاں پہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے لوگ جو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے دور دراز علاقوں سے تشریف لے کے آئے، ان کو ہم چاہیں گے کہ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بچے یہاں پہ موجود ہیں، بیٹا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جو خالصہ سے اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آئے، ان کے لیے نصیر بٹی کریانہ سٹور والوں کی طرف سے یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں اس فیملی کے لیے، جو ہے وہ چودھری محمد شفقت صاحب کی طرف سے کیش پرائزز، چودھری محمد شفقت صاحب چیئرمین یو سی نلا مسلمانہ، ان کی طرف سے یہ کیش پرائزز۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دوسری فیملی موجود ہیں، ان کے لیے محمد نصیر بٹی کریانہ سٹور کی طرف سے ان کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا۔ یہاں ہمارے ساتھ خالہ جی موجود ہیں، کشمیر کلاتھ ہاؤس چوہا روڈ کلر سائدہ کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا، کشمیر کلاتھ ہاؤس کلر سائدہ۔ اس کے ساتھ جو آپ کہاں سے تشریف لے کے آئے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، جو خالصہ سے یہ بھی تشریف لے کے آئے، کشمیر کلاتھ ہاؤس والوں کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا، کشمیر کلاتھ ہاؤس جن کا پیغام ہے کہ کپڑے کی ہر قسم کی ورائٹی ان کے پاس دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ یہاں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، نصیر بٹی کریانہ سٹور والوں کا یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا، نصیر بٹی کریانہ سٹور۔ زید سر، جی سر، انٹرپٹ کروں گا آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معصوم بچے بھی تحفے کے مستحق ہیں، جو معصوم اور چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود انہوں نے افطاری بنانے میں اپنی والدہ کی مدد کی ہو، یا افطاری ہمسائے کے گھر پہنچانے کے لیے کوشش کی ہو، یا مسجد میں افطاری لے کر گئے ہو، تو انہیں بھی کوئی تحفہ ملنا چاہیے۔ ایسا اس حال میں موجود کون سا بچہ ہے جو افطاری بنانے میں اپنے والدین کی، والدہ کی مدد، کون سا ہے؟ کھڑے ہو جائیں اور وہاں سٹیج پہ تشریف لے جائیں۔ وہ بچے جو افطاری بنانے میں اپنی والدہ کی مدد کرتے ہیں، بہت سے ننھے منھے بچے یہاں پہ ہمارے ساتھ سٹیج میں موجود ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ افطاری بنانے میں جو اپنی والدہ ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے بچے بھی آ رہے ہیں جو، جی اجمل منیر صاحب۔ اچھا، یہاں میں چھوٹی بچی سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی امی کی مدد کرتے ہو افطاری بنانے میں؟ کیا آپ کھجوریں دھو کر انہیں دیتے ہو، کوئی پھل کاٹ کے دیتے ہو، یا پکوڑے پلیٹ میں رکھ کے گھر والوں کے آگے رکھتے ہو؟ کس طرح افطاری بنانے میں آپ اپنی امی کی مدد کرتے ہو؟ میں
चार बनाने मदद करती है। शाबाश, ये बच्ची चार बनाकर अपनी वालदा की मदद करती है। जी बेटा, आप किस तरीके से मदद करती हैं अपनी वालदा की? क्या चीज बनाती हैं आप? फ्रूट वगैरह काटती हैं, अफ्तारी के लिए तैयार करती हैं, उसमें मदद करती हैं, इनके लिए भी क्लैपिंग करते हैं। बेटा आप किस तरीके से मदद करती हैं? अच्छा, आप में से कोई ऐसी बच्ची है जो खुद कोई डिश तैयार करती हो, पकौड़े वगैरह या कोई भी डिश तैयार करती हो? आप तैयार करती हैं? क्या बेटा तैयार करती हैं? सहरी के लिए क्या कुछ बनाती हैं आप? रोटी बनानी होती है या फिर साथ में जूस बनाना होता है, मैं मामा की हेल्प करती हूं या मैं खुद बनाती हूं। अच्छा, आपसे आप बच्चों से ये पूछना चाहेंगे, जो भी जवाब देना चाहे, कि आप जब अफ्तारी बनाते हैं, घर वालों के सामने रखते हैं, सब घर वाले रोजा उस अफ्तारी से, आपकी बनाई हुई अफ्तारी से अफ्तार करते हैं, रोजा खोलते हैं, तो उस वक्त आपके दिल की क्या कैफियत होती है? आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, क्या होता है? शाबाश। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मासूम बच्चे आज अगर अपने वालदैन का सहारा बने, उनकी मदद करते हैं, तो कल जब ये बड़े होंगे तो ये यकीनन अपने वालदैन और अपने खानदानों की सपोर्ट बनेंगे। बेटा आप तशरीफ रखें, आप सब के लिए हम तोहफे जो है वो मुख्तलिफ तोहफे आप तक पहुँच जाएंगे। आप लोग तशरीफ रखें, इनकी हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग करते हैं इनके लिए। हाल में जो तोहफे हैं वो देने का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ और बहुत से लोग हैं जो दूर दराज इलाकों से मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कहाँ से आए और इनके लिए तोहफे। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए? कलर साइना से इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। गोल्डन ज्वेलर्स वालों का ये तोहफा इनके साथ जाएगा। इनके साथ और लोग भी मौजूद हैं। ये हमारी बहन यहाँ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ लेके आई। नसीर पट्टी करियाना स्टोर वालों का ये तोहफा इनके साथ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए? सोहावा से आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ लेके आए। सोहावा से उम्मीद सहर रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए ये यहाँ पे तशरीफ लेके आए। उन इनके लिए ये कैश प्राइजेस जो है चौधरी मोहम्मद शफकत साहब की तरफ से चेयरमैन यूसी नला मुसलमाना इनके साथ जाएंगे, जो कि सहावा से यहाँ पे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ लेके आए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं तो हम इनसे भी जानते हैं ये कहाँ से तशरीफ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? कलर साइना से आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। शोकत ज्वेलर्स वालों का ये तोहफा इनके साथ जाएगा। जाहिर साहब, भट्ट साहब भी शीशन साहब की तरफ से कुछ आपके साथ बात करना चाहते हैं। जी जरूर। जी सैफुल मलूक हम सुन लेते हैं, हमारे साथ तारक अजीज साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि उनसे सैफुल मलूक के चंद अशआर पेश करें। पहले एक पैगाम दे दूं, मैं बहसियत सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारक अजीज चिश्ती एक गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर थाने में, उनको कहते हैं कि जो रोजा खोर है, रोजा तो फर्ज है ना, रखना चाहिए, रोजा खोर है उनको पकड़कर थाने में बंद कर दें। रमजान शरीफ महीने में रोजा खोर को पकड़ के थाने में बंद कर दें। कभी यह भी गवर्नमेंट ने सोचा है जहां कोई भूखा मर रहा है उसको रोटी भी खिला दें? 11 महीने साल पूरा गुजर जाता है, कभी 11 महीने यह भी सोचा है कि भूखे को रोटी भी खिला दें, कोई कहीं भूखा खड़ा हो? उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला और सरकार का दौर है, वो कहते उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला सरकार का फरमान है कि
दरिया के किनारे अगर एक कुत्ती का बच्चा भी भूखा रहा तो मेरे से खुदा पूछेगा। हमारी गवर्नमेंट को सोच होनी चाहिए कि 11 महीने जो भूखे मरते हैं, गरीब है, मस्कीन है, माजूर है, उनको भी ढूंढे, उनको भी ढूंढ कर ऐसे इन गवर्नमेंट को कहो, अपने थाने वाले को कहो कि वो भूखे कहाँ हैं, उनको भी खाना खिलाओ जाकर। ये नहीं कि रोज रमजान शरीफ में महीने में रोजे खोर को पकड़ कर थाने में बंद कर दो। 11 महीने उनको भी सोच होनी चाहिए भूखे कहाँ हैं। तो लदग्रामी में मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरसे सुल्तान खड़ी शरीफ सरकार का सरकार के दो इशार जो के हुक्म मिला है कि दो इशार पेश करने हैं, तो दो इशार पेश करूंगा। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरफे सुल्तान खड़ी शरीफ फरमाते हैं, सब चीज़ा तू मंगी चीज़े यारो, सब चीज़ा तू मंगी चीज़े यारो, जिसका नाम गरीबी सके कोलो मुझ पा लग जावण, ती रिश्तेदार करीबी भाई सके कोलो मुझ पा लग जावण, ती रिश्तेदार करीबी ते इस मुल्क दिया। आज जनाब हमारे भाई जैद साहब जो प्रोग्राम उम्मीद सहर चला रहे हैं रमजान शरीफ के बाद, ये भी सुन लेना कि इन्होंने क्यों ये प्रोग्राम रखा था। ऐसे भी लोग होंगे जो इनके भी खिलाफ बोलेंगे, ऐसे अच्छा काम करने वाले को खिलाफ होते हैं लोग। तो मैं इस हवाले से इस मुल्क दिया तो बंदिया को लो, इस मुल्क बंदियां को लो ते मंग बनावो फकीरा, सच्चे दा मुल गौड़ी पावे ते झूठे दा मुल हीरा। माशाल्लाह। अभी इस इनामात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत सी हमारी माएँ बहनें बेटियां दूर दराज इलाकों से यहां पे तशरीफ लेके आई, उनके लिए तोहफों का सिलसिला जारी है। तो हम यहां से दूसरी तरफ बढ़ते हैं इस हाल के। यहां हमारे साथ ये हमारी बहन मौजूद है, आप कहां से आई हैं? मसला की है ये मुल्तान से तशरीफ लेके आए और इनको यही तवक्को थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा चैरिटी करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। ये खुद भी गुर्दे के मरीज हैं, इनका जो हस्बैंड है वो उसको एक्सीडेंट हुआ जिसका वो शिकार हो चुके हैं, और वहां से ये यानी इस हवाले से यहाँ पे तशरीफ लेके आए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यकीनन इनकी मदद करेंगे। तो इनका पैगाम हमने उम्मीद सहर के फोरम से जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तक पहुँचा दिया है। आप जाते हुए अपना जो नाम है वो एड्रेस वगैरह लिखवा दीजिएगा, फिर जहाँ तक हो सका हम करेंगे। यहाँ पे एक और अर्ज करना भी जरूरी समझता हूँ कि जितने भी मरीज और उनकी फैमिलीज हमारे इस हाल में मौजूद हैं, उन लोगों के उन मरीजों के नाम जो है एक लिस्ट में लिखे जाएं और कलर सैदा के सरकारी डॉक्टरों तक पहुंचाए जाएं, और कलर सैदा अस्पताल में सरकारी सतह पर बहुत सारे ऐसे फंड्स मौजूद होते हैं, उन फंड से भी
इन मरीजों की मदद की जा सकती है, साथ ही साथ इनकी जो असल जरूरत है इनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट अस्पताल की सतह पर डॉक्टरों की सतह पर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग की जाए और इनके नाम लिस्टों में लिखकर उन डॉक्टरों तक पहुँचाए जाए तो ये भी कार्य स्वाभाव होगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं या जिनका इस किस्म का मसला है वो यकीनन अपना नाम और अपना पैगाम जो है या मसला जो भी है दरपेश है वो यहाँ पे हमें लिखवा के जाएं। कोई भी फोरम होगा वहाँ पे हम आपकी आवाज उठाएंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सका हम उम्मीदें शहर के फोरम से आपका आपकी इमदाद करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए जो गिफ्ट प्राइजेस है सफीर ज्वेलर्स वालों की तरफ से ये कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ ये हमारी बहन भी तशरीफ लेके आई बशीर सन सराफ चौरोड कलर सायदा, ये इनकी तरफ से कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे। यहाँ पे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, आप कहाँ से तशरीफ लेके आए? कलर सायदा से आप तशरीफ लेके आए तो बशीर सन सराफ की तरफ से ये कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे। हमारे साथ हमारी एक और बहन मौजूद है, आप कहाँ से तशरीफ लेके आए? आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने नसीर भट्टी करियाना स्टोर वालों की तरफ से ये तोहफा आपके साथ जाएगा। नसीर भट्टी करियाना स्टोर जाहिर साहब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि नसीर साहब को शामिल किया जाए इस गुफ्तगू में कि दूर दराज से लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए ख्वातीन हमारी बहनें बेटियां हमारे भाई तशरीफ ला रहे हैं। साबित ये होता है कि उन्हें उम्मीद शहर में एक उम्मीद नजर आई है कि इस फोरम से उनकी मदद की जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी, उनके मसाइल हुकामे बाला तक पहुंचाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये उम्मीद शहर की कामयाबी है। इस हवाले से नसीर साहब का क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि उनसे ली जाएगा, बिल्कुल उनसे हमें राय लेनी चाहिए। इसके साथ साथ नसीर भट्टी साहब भी बहुत से लोगों की इस तरह की इमदाद करते हैं, राशन वगैरह की तकसीम इनको क्रेडिट जाता है और उम्मीद शहर ने पहली दफा फैमिली को यहाँ पे शामिल किया है, ये भी एक क्रेडिट है। जी नसीर भट्टी साहब, हम तो गरीबों की खिदमत करना हमारा फर्ज है, जिसको अल्लाह ने नवाजा है उसको गरीबों की खिदमत करनी चाहिए, ये उस पर फर्ज है। गरीब बहन भाई आए उनकी खिदमत करनी चाहिए। उम्मीद शहर ने गरीबों को उजागर किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं पहली मरतबा ही आया हूँ, दूसरा प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम है उम्मीद शहर, ये जारी रहना चाहिए। गरीबों की खिदमत यहाँ पे होती है, गरीब ही आते हैं यहाँ पे, गरीबों की आवाज़ बन के आप आवाम की आवाज़ बन के आप हुकूमत तक पहुँचाते हैं। मेरा ख्याल है इसका गरीबों को बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ मेरे एक भाई मुझे नजर आ रहे हैं, खालिद साहब जो गरीबों के हवाले से बहुत आवाज उठाते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रमजान एक के हवाले से वो भी कोई पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उम्मीद शहर की पूरी टीम को और जनाब इजाज बार साहब और जितने मेहमान ग्रामी बैठे हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे बोलने का मौका दिया। मुनीर भाई को पता है कि मैं पहली बात है कि हर किसी के साथ हमदर्दी कर जाना मेरा एक सेवा है और खसूसी तौर पे यतीम बेवा बच्चे इनके साथ इनके हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना ये मेरा फ़र्ज भी है और मेरा हक भी है। और यहाँ पे कई ऐसे जिनके मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सपोर्ट से बड़ों की सपोर्ट से आज वो कुछ कारोबार भी कर रहे हैं, कुछ पैसे भी रहे हैं। तो मुनीर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं भी यही कहूँगा कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में आपके पास आपसे जैसी भी जहाँ भी जिसको भी खिदमत करना चाहते हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो किसी की सूरत में भी हो, आप गरीब की जिस तरह भी मदद करना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनकी मदद करें और हर हाल में करें। बहुत शुक्रिया।
गरीब के दर्द को और गरीब की परेशानी और दुख को एक गरीब ही समझता है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह हमारे इलाके और हमारे मुल्क के जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी गरीबों के दर्द को जाने और उनके मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़े। शुक्रिया। दोबारा तोहफे जो है उनके देने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम इसी को सामने रखते हुए हम जी यहाँ पे हमारी ये बहन तकरीब लेके आई, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी, इनके लिए बशीर सराफ की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे, बशीर सराफ की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बहन यहाँ पे मेरे सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी, इनके लिए भी बशीर सराफ की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। तो आप इस साइड पे आ जाए बेटा, आप इधर आए पीछे इस साइड पे। यहाँ पे भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो दूर दराज इलाकों से इस उम्मीदें सहर ट्रांसमिशन में कई उम्मीदें लेके आए, तो उनके लिए ये कैश प्राइजेस का सिलसिला जारी है। तो चौधरी मोहम्मद शफकत चेयरमैन यूसी नला मुसलमाना की तरफ से ये कैश प्राइजेस इस मेरी बहन के लिए ये इनके साथ जाएंगे। इधर यहाँ ये अम्मा जी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं वो कहां से तशरीफ लेके आए। जी अम्मा जी, कलमिया तो तुसा आए हो, कैसा लगा तुसा कि इस ट्रांसमिशन किस्सा बनी है? तो आपके साथ ये चौकत ज्वेलर्स के कैश प्राइजेस आपके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये मेरी बहन यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए बशीर सराफ की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हमारी बहन मौजूद है, इनके लिए ये कैश प्राइजेस चौधरी मोहम्मद शफकत चेयरमैन यूसी नला मुसलमाना उनकी तरफ से इस ट्रांसमिशन के लिए 50,000 के कैश प्राइजेस का ऐलान किया गया, जो कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दे रहे हैं। चौधरी शफकत साहब ने 50,000 रुपए के कैश प्राइजेस इस ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने दिए हैं। यहाँ फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारी कुछ बहनें मौजूद हैं जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए आए, तो इनके लिए यहाँ ठेकेदार मोहम्मद लतीफ जनरल काउंसलर उनकी तरफ से ये कैश प्राइजेस, फिर इनके साथ जो मौजूद है मेरी बहन उनके लिए ठेकेदार मोहम्मद लतीफ जनरल काउंसलर जो है उनकी तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ ही हाल में बहुत से लोग मौजूद हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ये पूरी फैमिली यहाँ पे तशरीफ लेके आई, इनके लिए बशीर सराफ की तरफ से ये कैश प्राइजेस। इसके साथ ही जो फैमिली मौजूद है ताज फर्नीचर हाउस वालों की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे, ताज फर्नीचर हाउस चौहा रोड कलर सायदा। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो आगे भी बहुत सी हमारे साथ हमारी बहनें मौजूद हैं जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी, यहाँ इनके लिए बशीर सराफ की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। अभी हम आते हैं, हमारे पास और बहुत से तोहफे मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में ये नौजवान इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, इसके लिए पोशाक महल की तरफ से ये जो तोहफा है इनके साथ जाएगा, और इसके साथ साथ ये बशीर सराफ की तरफ से जो कैश प्राइजेस हैं वो भी इनके साथ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे
ये नौजवान मौजूद है, ये भी किसी आपके साथ क्या मामला हुआ, किस तरीके से ये मजदूरी वगैरह हुई? थाने में मुझे पालने जो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसके साथ पालने हुआ था, पूरी तरह पालने हुआ था, फिर वहीं आँख में नजर भी नहीं आ रहा था, वहाँ से नहीं काम कर रहा था। ये फालज की वजह से माजूर हो चुके हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे ये उम्मीद लेके आए, इनका पैगाम हमने चाहा कि ये जितने भी नाजरीन हैं, सुनने वाले हैं और सबके सामने यहाँ जो सामईन हैं उन तक पहुँचा दिया जाए। तो ये पोशाक महल की तरफ से ये तोहफा आपके साथ जाएगा, पोशाक महल का ये तोहफा आपके साथ जाएगा। फिर एक दफा हम ये हमारे साथ चाचा जी भी आए हैं, यहाँ मौजूद है, आप कहाँ से तशरीफ लेके आए? यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी अपनी अपनी स्टोरी है, बहुत दुख भरी कहानी है। तो हम हमारे साथ जिन लोगों ने तावन किया इन लोगों तक ये तोहफे पहुंचाने के लिए, हम उनके मशहूर हैं, उम्मीद सहर उनकी मशहूर है कि वो इन लोगों के लिए उम्मीद सहर बने। तो ये ताज फर्नीचर हाउस के ये कैश प्राइजेस जो है ये चाचा जी के साथ जाएंगे, ताज फर्नीचर हाउस उनकी तरफ से ये कैश प्राइजेस। यहाँ हमारे साथ अम्मा जी इस ट्रांसमिशन में शामिल रही तो उनकी उनके लिए बशीर संसराब की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे भट साहब भी मौजूद हैं, तो चूंकि टाइम की किल्लत की वजह से यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों से भी आए हैं, तो उनके साथ भी बहुत ही कम बात हो रही है, तो इनके लिए ये तोहफा पोशाक महल की तरफ से इनके साथ जाएगा। फिर हम एक दफा खवातीन के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, और वो लोग जो अभी तक जिनको तोहफे जो है वो नहीं मिल सके उन तक हम तोहफे पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ताज फर्नीचर हाउस की तरफ से कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे, ताज फर्नीचर हाउस की तरफ से कैश प्राइजेस। यहाँ खाला जी इस प्रोग्राम में शरीक हुई, ताज फर्नीचर हाउस की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। ये मैरा से इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए तस्वीर लेके आए, तो इनके लिए बशीर संसराब की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ खाला जी मौजूद हैं, ये इनके लिए भी बशीर संसराब की तरफ से ये कैश प्राइजेस इनके साथ जाएंगे। अभी हम फिर बढ़ते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ कारोबारी हजरात जो है उनकी तरफ से तोहफे मौजूद हैं। नसीर बट्टी करियाना स्टोर वालों का, नसीर बट्टी करियाना स्टोर की तरफ से ये तोहफा जो है आपके साथ जाएगा। फैशन सिटी मैन बाजार कलर सायदा शेख हसन रियाज साहब की तरफ से ये तोहफा जो है ये आपके साथ जाएगा। इसके साथ साथ शेख रियाज क्लॉथ हाउस मैन बाजार कलर सायदा ये तोहफा जो है ये आपके साथ जाएगा। फिर इसके साथ साथ फैशन सिटी मैन बाजार कलर सायदा, जो रह गए हमको दूसरा सीख रहे वो दे दे। शेख रियाज क्लॉथ हाउस का ये तोहफा ये आपके साथ जाएगा। मोहम्मद एजाज भट साहब की तरफ से और बशीर संसराब की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो नात पढ़ी तो उन्होंने ये कहा कि ये कैश प्राइजेज जो है उनकी तरफ से ये मिसेज रुबाना के साथ जाएंगे कैश प्राइजेज, और उम्मीद सहर में ये लोग शामिल हुए। इसके अलावा हमारे उम्मीद सहर की अपनी तरफ से जो कुछ गिफ्ट है हमारे ये मौजूद मेहमानों के लिए वो भी हम इनको पेश करेंगे। अभी हमारे कुछ तोहफे हम जितने भी यहाँ पे लेके आए हैं, हमारी ख्वाहिश है कि सारे तोहफे जो है यहाँ पे बांट के जाए, जो लोग रह जाए उनके लिए नेक्स्ट जो हमारा जुमा होगा उसमें ट्रांसमिशन हुई तो उसमें इंशाल्लाह उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे जो थे, एक बच्ची जो यहाँ पे जिसने कहा कि वो अफतारी का सामान तैयार करती है, उसके लिए ये तोहफा नईम गारमेंट्स वालों की तरफ से।
कश्मीर क्लॉथ हाउस की तरफ से ये तोहफा आपके साथ जाएगा। सरदार रज़ाक एंड सन्स इनकी तरफ से ये तोहफा बेटा आपके लिए। नई गारमेंट्स की तरफ से ये बेटा आपके लिए ये तोहफा है। ये वही बच्ची है जिसके साथ सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये आज भी कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, तो आपके लिए बेटा ये हमारी तरफ से और नईम गारमेंट्स की तरफ से ये तोहफा आपके साथ जाएगा। सरदार रज़ाक एंड सन्स की तरफ से ये तोहफा बेटा आपके लिए। सफीर ज्वेलर्स का ये तोहफा आपके लिए। सफीर ज्वेलर्स का ये तोहफा आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपके लिए ये सफीर ज्वेलर्स का तोहफा आपके साथ है। शौकत ज्वेलर्स की तरफ से ये तोहफा जो है ये आपके साथ जाएगा। शौकत ज्वेलर्स वालों का ये तोहफा अभी हमारे पास मौजूद है। चौधरी क्राफ्टरी हाउस के ये कुछ तोहफे हैं, आखिरी तोहफे जो आज तकसीम किए जा रहे हैं चौधरी क्राफ्टरी हाउस की तरफ से। यहाँ हमारी एक बहन तशरीफ लेके आई है मुल्तान से, ये उम्मीद लेके आई है कि यहाँ पे शायद वो उन मुख्तलिफ दुखों तकलीफों का शिकार है, गुर्दे का मर्ज है उसमें मुब्तला है, उनके जो हस्बैंड है वो भी एक्सीडेंट का शिकार हो चुके, तो उनके लिए ये चौधरी क्राफ्टरी हाउस की तरफ से ये जो तोहफा है वो उनके साथ जाएगा। चौधरी क्राफ्टरी हाउस वालों का ये तोहफा उनके साथ जाएगा। खातून इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी, वो दिल की मरीजा थी, उनका जो बच्चा है वो चूंकि उनको तकलीफ हो गई तो वो वापस जा चुकी हैं, उनका जो बच्चा है वो इसी ट्रांसमिशन में मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए बेटा इधर आ जाए आप, इनके लिए ये तोहफा जो है चौधरी क्राफ्टरी हाउस की तरफ से ये वाटर सेट जो है चौधरी क्राफ्टरी हाउस वालों का ये इनके साथ जाएगा। इसके साथ साथ ये कस्टर्ड का सेट जो है ये भी चौधरी जो क्राफ्टरी हाउस है उनका ये तोहफा है, ये आप लोगों के साथ जाएगा चौधरी अरशद साहब की तरफ से ये सेट। ये हमारे साथ ये जो फैमिली है इनकी जो दुख और तकलीफें हैं वो कहीं ज्यादा है, तो इनके लिए ये जो तोहफा है ये इनके साथ जाएगा। हमारे साथ जितने भी लोग शरीक हुए, आप लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, हमने कोशिश की कि जितने भी लोग आए उन सबको कुछ ना कुछ यहाँ से जो तोहफे हैं वो हम दे के भेजें, लेकिन आज हमने तकरीबन 60,000 मालियत के जो तोहफे थे और प्राइजेस थे वो यहाँ पे तकसीम किए, फिर उसमें मजीद इजाफा भी किया गया जिस पे हम मशहूर हैं मोहम्मद एजाज भट्ट साहब के, उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे जो है उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन हो, तो हम इनसे मजीद तवक्को करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में ये मजीद आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। ये सिलसिला रमजान आखिरी रमजान तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। उम्मीद सहर ने ये अजम किया है कि तकरीबन 4 से 5 लाख के इस रमजान में हम तोहफे जो है आप सब लोगों तक पहुँचाएंगे। मुस्तई का फराज या गरीब लोग अपना नाम जैसा के पास या उम्मीद सहर के पास लिखवाते हैं तो उन्हें खुद ये एहसास और ये शऊर होना चाहिए कि जो वाकयातन गरीब और हकदार लोग हैं ये तोहफे तायफ उन लोगों के लिए है। जो लोग डिजर्विंग नहीं हैं, जो हकदार नहीं हैं, वो अपना नाम लिखवाते हैं और यहाँ से तोहफा ले जाते हैं जायद साहब से, वो ये जहन में रखें कि उन्होंने किसी का हक मारा है।
تو اگر وہ کسی کا حق مار کے کوئی تحفہ یہاں سے لے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ وہ تحفہ اور وہ اس کا عمل اس فیملی کے لیے اس شخص کے لیے باعث عذاب یا مصیبت بن سکتا ہے. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی حقدار کا حق نہ مارا جائے. جو بندہ حقدار ہے, جو غریب ہے, جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, جو معذور ہے, جو بیمار ہے, جو کمانے کے قابل نہیں ہے, وہ لوگ اپنا نام زید صاحب کے پاس یا امید صاحب کے پاس لکھوائیں, کیونکہ بندوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہمارے جو پیٹرن تھا اس پروگرام کا, میں نے پہلے دن بیان کیا تھا, ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں 60% وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ ہے, 30% کوئی بھی لوگ جو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, کیونکہ ہم کسی کا راستہ روک نہیں سکتے کہ اس پروگرام کا حصہ نہ بنے, تو وہ لوگ بھی شامل ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آنے پر, شامل ہونے پر تحفے جو ہیں وہ امید سحر کی طرف سے دیں, تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں. اور اس لیے ہم نے 10% خواتین کے لیے مختص کیا تھا, لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ پہلا ہمارا پروگرام ہے تحصیل کا جہاں پہ خواتین کی پارٹیسپیشن جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو ہم نے 10% کہا تھا کہ لازمی ہونی چاہیے, اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں یہاں پہ ان سب کو تحفے دیے جائیں, اور ان آگے پھر ان کے جو بھی ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو یہاں مہمان آئے ہیں ان کو بھی ہم امید سحر کے لوگوں جو ہیں وہ تحفے کے طور پہ دیں گے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے, آپ نے اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشی اتنی دیر یہاں پہ موجود رہے. جی, یہ امید سحر کی طرف سے مفتی صاحب آپ کے لیے یہ تحفہ ہے. محمد اجاز بٹ صاحب, یہ امید سحر کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ. ثاقب حمید صاحب ہمارے ساتھ شامل رہے پوری ٹرانسمیشن میں, یہ آپ کے لیے تحفہ. یہ ہماری بہن جنہوں نے ناطر سلیم مقبول کی سعادت حاصل کی, ان کے لیے یہ تحفہ. یہ محمد نصیر زندہ صاحب کے لیے یہ تحفہ. یہ رحمان بٹ صاحب کے لیے یہ تحفہ, ان کے ساتھ جائے گا. اچھا, یہ جن لوگوں کو تحفے وغیرہ نہیں ملے, یہ محبوب صدیقی صاحب باہر آ رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے, تو وہ آپ کو تحفے دیں گے, کیش پرائزز دیں گے. وہ باہر محبوب صدیقی صاحب سے رابطہ کر لیں, ہماری امید سحر کے ایڈیٹر ہیں, ان سے آپ رابطہ کریں, وہ آپ کو تحفے دیں گے. اور اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی انہیں دے جائیں. ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہی تھا, ہم نے جیسا کہ اناؤنس کیا تھا کہ 50,000 کے تحفے ہم یہاں پہ تقسیم کریں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 60,000 سے 70,000 کے تحفے جو ہیں وہ یہاں پہ تقسیم کیے. اور ہمارا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی لوگ شامل ہوں, چاہے ضرورت مند ہو جو بھی, ان کو اس ساری تقریب کا حصہ بنایا جائے, اور پورے وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ان کی سیلف ریسپیکٹ کسی صورت بھی مجروح نہ ہو, ان کو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے اور ان کو تحفے دیے جائیں. تو ہم نے اپنا حق ادا کیا. یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن جاری رہے گی, نیکسٹ جمعے والے دن 3 بجے یہاں پہ دوبارہ پروگرام کنڈکٹ ہوگا, اور وہی لوگ اس پروگرام میں شرکت کریں گے جن کو امید سحر کی طرف سے پاسز جاری ہوں گے, ٹوکن جاری ہوں گے, صرف وہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. اور ان کو جو جتنے بھی تحفے ہوں گے انشاءاللہ ہم 50,000 کے تحفے مزید تقسیم کریں گے نیکسٹ جمعہ 3 بجے, اور وہ لوگ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے جن کو امید سحر پاسز جاری کریں گے. جی اجمل منیر صاحب, آپ ہی پیغام. آخری پیغام میں یہ دینا چاہوں گا تمام اپنے بہنوں بھائیوں سے, دوستوں سے, عزیزوں سے, کہ روزہ رکھنے کی روح صبر ہے, روزہ رکھنے کی روح صبر ہے. اگر ہم لوگ صبر نہیں کرتے تو پھر ہم کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبر دکھانا چاہیے, صبر کے ساتھ سارے معاملات آگے چلتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام غریبوں کے, ہر شخص کے, ہر آدمی کے مسائل دور کرے. آمین. آپ سے دو شعر یہ اسلام کے پیش کریں گے, ایک شعر ہماری یہ بہن پیش کریں گی اسلام کا, اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. جی, غم کے مارے
सलाम कहते हमारे सलाम कहते हैं पतली पतली गोले कुदस की पतियां पतली पतली गोले कुदस की पतियां लबों की नजाकत पे सलाम वालिया
से आजा काली कमली वालिया या इलाही आप तमाम लोग जो इसमें शामिल हुए आज के लिए इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे मौजूद मेहमान आने ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में जिन्होंने रौनक बख्शी इस ट्रांसमिशन को अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है और उनका आगे बढ़ के हाथ थामिए सिर्फ उम्मीदें सहार कलर यूथ कौंसिल या ऐसी बहुत सी तंजीमें कुछ नहीं कर सकती हर एक को अपने तौर पे ये काम सारा अंजाम देना होगा मुझे और मेरे साथी जो है उनका पैगाम लेते हैं और आज की ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज इसके साथ साथ ये अजमल मनीर साहब का आखिरी पैगाम मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस्लाम जिंदाबाद इंसान जिंदाबाद रमजान जिंदाबाद बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज उम्मीद सहर बन के आया माहे रमजान उम्मीद शहर की बात